ठीक है फाइन, लेट्स मूव अहेड विद अ डिफरेंट टॉपिक व्हिच इज क्रॉस टेबुलेशन. अभी आप डेटा को, एक 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 बस डाउट था. लाइक जैसे हमें प्रोडक्ट वाली जो कॉलम है हमारा, उसमें से हमें लेट्स से सीपीयू या सबका अलग अलग क्वांटिटी अगर वो करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. वो तो क्वांटिटी की लेंथ पे लगा दोगे ना. दैट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू गेट दोज आउटपुट. इफ यू वांट दिस सम देन यू कैन अप्लाई सम. इफ यू वांट द लेंथ यू कैन अप्लाई लेंथ एज वेल. नो नो नो, काउंट भी हो सकता है ना वो तो. जैसे लाइक सीपीयूज कितने हैं और कंप्यूटर. सीपीयूज, देखो सीपीयूज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, हाँ तो वो निकाल सकते हो आप. वो जरूरी नहीं ग्रुप वाइज से निकालोगे आप, वो वैसे वैल्यू काउंट से भी निकाल सकते हो फॉर दैट कॉलम. यू नो ना वैल्यू काउंट्स कैसे काम करता है, हाँ मैम. हाँ ठीक है ना. तो वो वैसे भी निकाल सकते वो हो. मैं देखिए इंडिविजुअली निकालना अगर पड़ेगा ऐसे. आप एक चीज देखिए, इंडिविजुअली नहीं निकालना पड़ेगा आपको. कॉलम पे वैल्यू काउंट्स लगाओगे तो उसके अंदर जितने भी यूनिक रिकॉर्ड है सब सबके नंबर ऑफ अकरेंसेस आपको निकाल के दे देगा वो. ये वैल्यू काउंट्स, आज आप वैल्यू काउंट्स एक्सप्लोर करोगे एक बार फिर से. लता आपको वहां डाउट है थोड़ा सा, और बाकी कल हम एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें जो भी तुम्हारे कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड. आई मूव अहेड विद दोज टॉपिक्स फर्स्ट, जो तुम्हारी बेसिक बेसिक से कंफ्यूजन है, क्योंकि ठीक वो है मैम. आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे फर्दर. ठीक है फाइन. सो डोंट वरी, यू कलेक्ट योर डाउट्स टुमोरो बाय 3 PM और सम टाइम. आई विल कंफर्म यू द टाइमिंग. वी कैन अरेंज अ डाउट सेशन फॉर दैट. परफेक्टली फाइन टू ओके ऑल. मैम. यस फाइन. मैम. सो यस मैम. यस सी नाउ लेट्स मूव अहेड विद द डिफरेंट टॉपिक व्हिच इज क्रॉस टेबुलेशन. नाउ यू हैव समराइज्ड और ग्रुप योर डेटा यूजिंग अ ग्रुप फंक्शन एंड पिवट टेबल. यू नो वेयर एंड हाउ टू यूज अ ग्रुप, ग्रुप बाय फंक्शन एंड हाउ टू यूज अ पिवट टेबल. आप डेटा ग्रुप कर रहे हो या डेटा समराइज कर रहे हो, हाउ यू वांट टू गेट द आउटपुट. आपको पता है किस सिचुएशन में आपको ग्रुप बाय लगाना है, किस सिचुएशन में आपने पिवट टेबल लगाना है. आप एक आउटपुट ग्रुप बाय और पिवट टेबल दोनों से भी गेट, यू कैन गेट दोज आउटपुट्स बेस्ड ऑन दीज टू. दैट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूज दोज. अब आता है कि अगर आपको कोई भी दो कॉलम, इन केस आपके पास कोई भी दो कॉलम है और दो कॉलम्स में कोई कंपैरिजन करना है, टू वे फ्रीक्वेंसी, व्हाट वी से टू वे फ्रीक्वेंसी. टू वे फ्रीक्वेंसी से मतलब है किसी एक कॉलम के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं कॉरेस्पॉन्डेंस टू दी डिफरेंट कॉलम, और उसके जितने भी रिकॉर्ड है फिर उसमें उसकी अकरेंसी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने उन दोनों कॉलम्स के यूनिक रिकॉर्ड पे आपके जनरेट होते हैं, वी कॉल दैट अ क्रॉस टेबुलेशन. एंड इन सैस वी कॉल दैट टू वे फ्रीक्वेंसी. जो क्रॉस टेबुलेशन है, क्रॉस टेबुलेशन आपको किन्हीं दो ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है. हाउ, आई शो यू विद दैट एग्जांपल. एंड दिस इज द डेटा सर्वे, हमारी फाइल है जो हम यहाँ यूज करेंगे. दीज आर दी कॉलम्स. अब इसमें कुछ हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम भी हैं जिनमें हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं. तो क्रॉस टैब फंक्शन जो है उसको हम क्रॉस टेबुलेशन टेबल जनरेट करने के लिए यूज करेंगे. कैसे, मुझे क्या करना है, आई वांट दिस जेंडर कॉलम. जेंडर कॉलम में आपके पास, आपको अभी दो क्लासेस दिख रही है यहाँ पे, मेल एंड फीमेल, और यस एक दूसरा कैटेगोरिकल कॉलम है विच इज मेजर. मेजर में भी आपके पास दो क्लास, मल्टीपल क्लासेस है, नॉट टू. आपके पास मल्टीपल क्लासेस हैं, लेट्स से अदर, मैनेजमेंट, सीआईएस, अदर, बिल्कुल. और भी कुछ क्लासेस आपके पास अवेलेबल है. तो अब आप क्या करना चाहते हो, आप जो जेंडर कॉलम है इसके अंदर जो मेल फीमेल है, फॉर मेल एंड फॉर फीमेल यू वांट टू चेक दी नंबर ऑफ अकरेंसेस फॉर द मेजर कॉलम्स यूनिक रिकॉर्ड. के मेजर जो मेरा कॉलम है उसके अंदर मैनेजमेंट भी आता है, अदर भी है, सीआईएस भी है, इंटरनेशनल बिजनेस भी है, रिटेल एंड मार्केटिंग भी है. एंड आई नीड टू चेक के फीमेल्स के अकरेंसेस फॉर ईच एंड एवरी क्लास ऑफ मेजर कितने हैं एंड मेल के कितने हैं. आई हैव टू मेक कंपैरिजन और आई वांट टू कंपेयर दिस. ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आई क्रिएट अ टेबल, कंपैरिजन टेबल बनाऊंगी मैं, विच वी कॉल दैट कंटिजेंसी टेबल और अ क्रॉस टेबुलेशन. तो जो क्रॉस टेब है वो क्या करके देगा आपका, यहाँ देखिए, यू चेक दैट आउटपुट. इसने क्या किया, पीडी डॉट क्रॉस टेब इज अ फंक्शन विच यू आर अप्लाइंग ऑन दिस डेटा सेट के दिस कॉलम पे. एस आर अंडरस्कोर डेटा इज द एक्चुअल डेटा सेट.
आप इसके जेंडर कॉलम पे एंड इस डेटा सेट के मेजर कॉलम पे आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हो. तो आप जो टेबुलेशन बिल्ड कर रहे हो दो ग्रुप्स पे कर रहे हो, वन इज द जेंडर, सेकंड इज द मेजर. तो जेंडर में आपके पास कितनी कैटेगरीज है, दो, मेल एंड फीमेल. जी मेक सेंस. मेजर में आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ऑल कैटेगरीज आर लिस्टेड देयर. एंड यहाँ पे फॉर ईच एंड एवरी कैटेगरी जो जेंडर के मेल एंड फीमेल के अकरेंसेस है वो आपको दे देगा. Here, अगर आपको यहाँ पे कुछ एनालिसिस करना है तो आप लेट्स से यू वांट टू चेक कि फीमेल फॉर इंटरनेशनल बिजनेस कितने हैं. अगर आप क्रॉस टेबुलेशन नहीं लगाओगे तो इसके लिए आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा टू गेट दैट आउटपुट. जैसे कि मैम इसमें यदि हमको क्रॉस टैब नहीं लगाते तो हमको जेंडर मेजर करके कंडीशन लगाते हैं जेंडर में फीमेल पर, मेजर में मैनेजमेंट पे, तब आप आउटपुट जनरेट करते. और फिर वहां तो सिर्फ आप एक वे पे मैनेजमेंट एंड फीमेल को चेक कर रहे हो. अगेन फिर आप अकाउंटिंग पे चेक करना चाहते हो तो फिर से कोड लिखना पड़ेगा. अगेन यू वांट टू चेक ऑन डिटेल एंड मार्केटिंग, यू हैव टू राइट दैट कोड अगेन एंड अगेन. गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रॉस टेबुलेशन से ये होगा, लेकिन क्रॉस टेबुलेशन इज द इजिएस्ट वे. And that is recommended because within one line of code you can get the output for multiple classes of a particular group. ये clear हुआ आपको कि how cross tabulation is working. अब यहाँ पे आपको आप समझ सकते हैं कि जो females हैं they are more inclined towards economics and finance and retail and marketing. जो सबसे कम अक्रेंसेज है फीमेल के वो आपके अदर्स में, सीआईएस या अकाउंटिंग में. एंड इफ यू चेक फॉर द मेल, यू सी मेल आर मिनिमम टू अंडर सीआईएस मेजर एंड मैक्सिमम अंडर मैनेजमेंट. दैट्स व्हाट यू कैन सी फ्रॉम दिस कंटिजेंसी टेबल, राइट? फीमेल का अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम अक्रेंसेज किसके अंडर है, रिटेल मार्केटिंग के. एंड जो मेल का है उसके मैक्सिमम मैनेजमेंट के अंडर है, 6, राइट? एंड जो मिनिमम है वो आपके सीआईएस के अंडर है. और यहाँ देखोगे कि अकाउंटिंग, सीआईएस, अदर सब में सिमिलर है एंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एज वेल मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिटेल एंड मार्केट. फीमेल्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स रिटेल एंड मार्केटिंग, राइट? एंड मेल्स में आप अनडिसाइडेड क्लास को अगर देखोगे तो ये मेल्स को ज्यादा बिलोंग करता है. फीमेल में अनडिसाइडेड इज 0 एंड फॉर मेल दैट्स अ 3. अब इस तरीके से आप किसी भी किनी भी दो ग्रुप्स पे कंटिजेंसी टेबल और क्रॉस टेबुलेशन बना सकते हो, राइट? आप देखो फॉर एग्जांपल जब आप टेबल जनरेट करते हो आप उसका टोटल भी देखना चाहते हो. यूज केस आपको बताती हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ यू वॉन्ट टू चेक दी, यू रिमेम्बर दैट इन पिवट टेबल आल्सो वी यूज मार्जिन इक्वल्स टू ट्रू टू गेट द सम ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स. Yes, yes. Right? Margins true हमने use किया था. So the same in tabulation as well. अब ये क्या करेगा आपको total for female under all the majors यहाँ आपके पास आ जाएंगे and total for accounting under all the genders. ये देखिए for CIS under all genders and सारी category का किसी भी दूसरी category के correspondence आपको total मिल जाएगा. In case आपको यहाँ पे check करना है कि जो बाय डिफॉल्ट है ना रो कॉलम के दोनों का एडिशन ले लेता है क्या? सॉरी, बाय डिफॉल्ट ही रो को भी ऐड कर रहा है, कॉलम को भी ऐड कर रहा है ना? हाँ हाँ, दोनों को ही करेगा. मार्जिन्स जो है, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल हियर एंड द सम ऑफ द रोज एंड कॉलम्स हियर. समझो इन केस वी आपके पास जब हम ये आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे आप जो प्रोबेबिलिटी रूल के बेसिस पे कंटिजेंसी टेबल बनाते हो जहां से आप अपना आउटपुट निकालते हो बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब यहाँ पे देखो इन केस यू नीड टू चेक व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल हु आर इनटू अकाउंटिंग. तो सबसे पहले आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितने कितने टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स टोटल नंबर ऑफ फीमेल इसमें है 33 है, राइट? एंड कितने अकाउंटिंग को बिलोंग करते हैं? 3, राइट? सो यू कैन कैलकुलेट दैट वैल्यू एज वेल. इन केस यू नीड टू चेक के टोटल अकाउंटिंग में कितने फीमेल हैं तो आपका पास टोटल कितना है? 7.
these are two use cases. In case you need to check under the accounting measure, there how many, what is the percentage of female under accounting measure that you can calculate? In yes. case you need to check what is the percentage of accounting under the female, total number of females. तो वहां पे आपके पास different records होंगे. अगर आपको male का check करना है under management, तो आप total number of males देखेंगे and the occurrences for male under management कितने वो आप check करोगे. तो total number of male आपके पास 29 है and under management measure 6 है. तो you will calculate with these two values. Right. और अगर आपको ये चेक करना है कि टोटल मैनेजमेंट में कितने मेल हैं, देन मेल और आपका मैनेजमेंट में टोटल 10 रिकॉर्ड्स हैं. नाउ यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मार्जिन्स हियर. यस मैम. अगर आपको टोटल कॉरेस्पोंडेंस टू एनी ग्रुप आपको चेक करना है फॉर एनी कैटेगरी, सो मार्जिन विल हेल्प यू आउट इन दैट केस एंड दैट इज एक्चुअली द यूज ऑफ क्रॉस टेबुलेशन. So, आप टू वे फ्रीक्वेंसी जब आप करोगे तो आप ये डायरेक्टली निकाल सकते हो. अब एक चीज देखो कि जब रियल टाइम सिनेरियोज होते हैं आपके, तो जब भी आप कंपैरिजन करोगे किसी भी चीज का, तो आप एक साथ 10 चीजें नहीं रखोगे. अगर आपके पास 10 चीजें हैं ऑन 10 कॉलम्स के अंडर, आपके पास लेट्स से 100 टोटल क्लासेस हो जाती हैं. सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू कंपेयर ऑल 100 क्लासेस ऑल टुगेदर? नो मैम. नहीं ना. सो इट विल बी क्वाइट टफ फॉर यू टू इंटरप्रिटेट दैट आउटपुट. आप ऐसा नहीं है कि आप उसको सिंटेक्स तो आप अप्लाई कर दोगे एंड यू कैन पुट ऑल द 10 कॉलम्स अंडर 10 कैटेगरीज फॉर ईच एंड एवरी कॉलम. तो 100 टोटल आपके पास हो जाते हैं, तो आप अप्लाई तो कर दोगे, टेबल भी आप जनरेट कर दोगे. बट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू इंटरप्रिटेट द आउटपुट? दैट वुड बी क्वाइट कंफ्यूजिंग. तो हम कंपेरिजन जब भी करेंगे तो इट इज रिकमेंडेड टू यूज टू एटलीस्ट टू ग्रुप्स ऑल टूगेदर. So that you can have a clear picture. बाकी हमारे पास statistic summary निकालने के लिए we have different options available. But in case you want to check the or compare the two groups under their categories, then cross tabulation is one of the best option for that part. Right? अब देखिए यहाँ पे next हमने cross tabulation किस पे लगाया है? For gender and grade intention. अब यहाँ पे आप देख सकते हो under the grade intention categories जो male और female के total number of frequencies or occurrences कितने हैं. And you can put margins as well in case you want to check total number of records under both category. अब next जैसे हमने gender and employment apply किया, तो you can check के कितने male फुल टाइम में है, कितने फीमेल फुल टाइम में है एंड व्हाट नंबर ऑफ परसेंटेज फॉर पार्ट टाइम अंडर द फीमेल कैटेगरी और द मेल कैटेगरी. यू कैन गेट दैट एनालिसिस फ्रॉम द क्रॉस टेबुलेशन एंड दैट्स व्हाट वी ऑल नीडेड. हमें जब हम किन्हीं भी दो ग्रुप्स के डिफरेंट कैटेगरीज पे कुछ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, तो हमें ये आइडिया तो होना चाहिए ना कि हाउ विल गेट दैट आउटपुट. मेक सेंस? Yes, ma'am. So now, is there any confusion how and why we are using cross tabulation? Use case आपको समझ में आते हैं कि cross tabulation हम कब use करेंगे? किसी को कोई confusion? So you can apply to any of the category. The data set which I have used here is including multiple columns as categorical columns. तो आप किसी भी column किन्हीं भी दो कॉलम को यूज करके ये जनरेट कर सकते हो. अच्छा, जो हमने मार्जिन्स इक्वल्स टू ट्रू हम सेट करते हैं, इसमें डिफॉल्ट आपको ऑल देता है व्हेन दैट इज पुटिंग द सम ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स रो वाइज एंड कॉलम वाइज, तो वो आपको ऑल कीवर्ड्स देता है. यहाँ भी ऑल देगा एंड हियर एज वेल. तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो. हाउ यू चेंज दैट? दैट इज द ऑप्शन. आप क्या करेंगे, मार्जिन्स इक्वल्स टू ट्रू सेट किया मींस यू वांट द सम ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स एंड हाउ एंड व्हाट इज द नेम दैट यू वांट टू यूज इन प्लेस ऑफ ऑल. सो यू विल बी गिविंग दैट यूजिंग मार्जिन्स अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू. तो आप जो भी नाम दोगे आपका कैरेक्टर होगा, यू हैव टू पुट दैट इनटू कोट्स. सो अभी वे डिफॉल्ट ऑल लेता है, बाकी उसको रीनेम कर सकते हो. दैट्स अ इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल, कई बार पूछ लेते हैं. If that is more inclined to the pandas, तो पूछ लेते हैं how you will change the name of margins equals to true value which is default all.
So you should know that margins underscore name is there. Using that, you can rename it. तो अभी आपका total आ जाएगा. You can use any name. Clear है? ठीक है. अब you must have a question in your mind कि अभी हम दो group को कर रहे हैं, तो हम दो से ज़्यादा करना हो, तो how we'll do that? So अब देखिए, हमने यहाँ पे तीन group use किए. We are using three groups altogether. One is the gender, and second is the computer, third is the employment. So here you will see कि वो आपको तीन groups को three particular column को उसने group करके दे दिया and table has been created. अब इस table को समझो. Table में क्या आपको पता चल रहा है? For the gender, female. हाँ जी. इसमें doubt of syntax में जैसे आपने SR underscore data, data को gender को आपने इसमें square bracket में दिया. आपको एक चीज पता है योगेश, राइट? कोई भी डेटा फ्रेम है तो हम डेटा फ्रेम का नाम दो तरीके से दे सकते हैं, एक तो ऐसे, राइट, और दूसरा ऐसे, सॉरी डीएफ, डीएफ डॉट ए, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट पार्ट ऑलरेडी. अभी समझ में आया आपको कि ये हम कर सकते हैं या नहीं? आप इंडेक्स पैरेंथेसिस में भी वो कॉलम यूज कर सकते हैं एंड डेटा फ्रेम डॉट कॉलम का नाम ये भी हम दे सकते हैं. डिड यू गो थ्रू विद द लॉक आई लॉक फाइल व्हिच वी हैव डिस्कस्ड? यस मैम. क्लियर विद दिस ना, कि आप कैसे किसी भी कॉलम को ले सकते हैं? जी मैम. राइट, एनी कंफ्यूजन विद दिस? नो. ठीक है. तो यहाँ पे हमने तीन कॉलम्स यूज किए, तो अभी देखिए इस आउटपुट को आप कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे. तो हमारा जो कंप्यूटर ग्रुप क्लास है उसके अंडर हमारे पास तीन कैटेगरी है, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड टैबलेट. एंड फिर आपने जो दूसरा कॉलम यूज किया है दैट इज एम्प्लॉयमेंट. तो जो एम्प्लॉयमेंट कॉलम है आपका, उसके अंडर भी आपके पास तीन कैटेगरी है, फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड अनएम्प्लॉयड. अब जेंडर हमने एक तीसरा कॉलम यूज किया है जिसको हम एज ए इंडेक्स कॉलम यूज कर रहे हैं. तो जेंडर में हमारे पास दो कैटेगरी हैं. तो जेंडर को कंप्यूटर के हर कैटेगरी के अंडर, एम्प्लॉयमेंट की हर कैटेगरी में कितने अक्रेंसेज हैं ये आपको दिखाएगा. तो अब देखो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि अंडर द डेस्कटॉप कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर वी डोंट हैव रेकॉर्ड फॉर अनएम्प्लॉयड. जी राइट. उसने सिर्फ हमें फुल टाइम और पार्ट टाइम दिया है क्योंकि उसके पास अनएम्प्लॉयड के रिकॉर्ड्स नहीं है. सो मींस दैट द जेंडर कॉलम डज नॉट बिलोंग्स टू द अनएम्प्लॉयड कैटेगरी अंडर डेस्कटॉप, बट इट बिलोंग्स टू द अनएम्प्लॉयड कैटेगरी अंडर लैपटॉप. राइट. एंड इट डज नॉट बिलोंग टू द पार्ट टाइम कैटेगरी अंडर टैबलेट. राइट. राइट. तो अभी देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन, जब आप दो से ज्यादा तीन ग्रुप यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा हैव यू नोटिस दैट देयर इज अ बिट कंफ्यूजन. अगर आप इसकी जगह पांच कॉलम और यूज करोगे फिर उनके डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो इट वुड बी क्वाइट टफ फॉर यू टू इंटरप्रिटेट दैट. सो बेटर टू गेट द कॉलम व्हिच यू कैन इजीली इंटरप्रिटेट एंड ट्राई टू कंपैरिजन टू और द थ्री, डोंट मोर देन दैट. So now you clear with the cross tabulation? Yes ma'am. And understand the use case where and how we use cross tabulation. We will be using that into the further analysis phases. ठीक है? जी मैम.